रन। फाइनली घंटों टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने आपके लिए कुछ ऐसी बेस्ट हॉलीवुड मूवीज को ढूंढ निकाला है जिन्हें देखकर आप यही कहोगे मजा आया। तो अगर आप भी हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 10th नंबर की मूवी से, जिसका नाम है जैक डॉ, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो आपको इस मूवी में एक जैक नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने भाई का देखभाल करने के लिए इंग्लैंड लौटता है, लेकिन वो बेहद ही कंगाल हो चुका होता है और इसलिए वो अपने छोटे भाई का देखभाल करने के लिए जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसी बीच जैक की मुलाकात उसके एक फ्रेंड से होती है जो जैक को एक काम देता है पार्सल उठाने का। अब जैक को की बहुत ही जरूरत होती है और इसलिए वो पार्सल उठाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैक को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वो उस पार्सल की वजह से एक बहुत ही बड़े क्राइम में फंसने वाला है। तो फिर क्या, यहीं से इस मूवी में एक्शन थ्रिलर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 5/10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है 1917, जो 2019 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में, तो ये मूवी एक्शन वार पर बेस है। मूवी में 1917 का समय देखने को मिलता है, जहां पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और उस वर्ल्ड वॉर में फ्रांस जर्मन सेना को हराकर अपनी सीमा से खदेड़ भी देते हैं, लेकिन इसमें जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी चाल होती है। दरअसल जर्मन सेना करते क्या है, कब्जे किए हुए मोर्चे को छोड़कर थोड़ी सी दूरी पर जाकर छिप जाते हैं ताकि जब वहां पर फ्रांस की सेना आए तो वो उन्हें मार सके। लेकिन इससे पहले फ्रांस के दो सैनिकों को इस छलावे के बारे में पता चल जाता और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन वार की। तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ये एक बहुत ही बेस्ट एक्शन वार मूवी है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 8.2/10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द लास्ट स्कॉट, जो 2017 में आई थी। बात इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो हमें इस मूवी में 2065 का समय देखने को मिलता है, जहां पर न्यूक्लियर वार की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और फिर जो गिने चुने इंसान होते हैं वो पृथ्वी को छोड़कर स्पेस में निकल जाते हैं किसी ऐसे प्लेनेट की खोज पर जहां पर वो खुद को सर्वाइव कर सके। अब इंसानों के स्पेस में जाने के बाद इन्हें वहां पर प्लेनेट तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन इंसान वहां पर खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा स्पेस के खतरों से बचते हुए इंसान अपने अनुकूल प्लेनेट को कैसे ढूंढते हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 5.1/10। वो हम बढ़ते हैं हमारी अगली साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी की ओर, जिसका नाम है ऑक्युलस, जो 2014 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो आपको इस मूवी में एक एलन नाम का इंजीनियर देखने को मिलेगा जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और जिस घर में ये लोग शिफ्ट होते हैं उस घर में एक ऐसा मिरर होता है जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है। जो भी कोई इंसान उस मिरर के सामने जाता है तो वो उसकी रियलिटी विजन को चेंज कर देती है। इसके साथ ही मूवी में और भी बहुत सारे टर्न ट्विस्ट देखने को मिल जाएंगे। मूवी में हॉरर की कोई कमी नहीं है। तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को देख सकते हो। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 6.5/10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली फैंटेसी एडवेंचर मूवी की ओर, जिसका नाम है द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया पार्ट 3। फिलहाल इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं बात कर रहा 2010 की। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो मैं आपको नार्निया पार्ट 1 की थोड़ी सी स्टोरी लाइन बता देता हूं। मूवी में होता क्या है, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो कुछ बच्चे लंदन के एक सेफली हॉस्टल में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ये जब रात के वक्त अकेला महसूस करते हैं तो वहां पर लुका छुपी का गेम खेलने लगते हैं। तभी इन बच्चों में से एक छोटी सी लड़की एक ऐसी अलमारी में जाकर छिपती है जो किसी दूसरी ही दुनिया में जाकर खुलती है। दरअसल उस दुनिया को नार्निया के नाम से जाना जाता है और वो एक विच की दुनिया होती है। मैं अपनी बात करूं तो ये मूवी मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मूवी के अंदर जो फैंटेसी एडवेंचर दिखाई गई है ना वो बिल्कुल ही प्रो लेवल की है। तो अगर आप फैंटेसी एडवेंचर के कुछ ज्यादा शौकीन हो तो बिना सोचे आपको इस मूवी को देखना चाहिए। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 6.2/10। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन एक्शन मूवी का भी नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है द किलर, जो 2022 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो आपको इस मूवी में एक जॉन नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो प्रोफेशनल किलर होता है, लेकिन कुछ ही समय बीतने के बाद वो एक लड़की से शादी करके नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन फिर कहानी में एक्शन की शुरुआत तो तब होती है जब जॉन की वाइफ अपने फ्रेंड के साथ किसी आइलैंड पर घूमने जा रही होती है तो वो अपनी फ्रेंड की बेटी का देखभाल करने को जॉन को बोलती है, जिसका नाम होता है कीन। अब जॉन की वाइफ जब अपने फ्रेंड के साथ घूमने को चली जाती है तो फिर जॉन कीन को लेने के लिए जाता है। तभी रास्ते में कीन बोलती है मुझे बार में जाना है। फिर जॉन कीन को बार में ले जाता है जहाँ पर कुछ बंदे कीन के साथ उल्टे फुलटे कांड करना शुरू कर देते हैं और फिर यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 6.6/10। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द असाइनमेंट, जो 2016 में आई थी। मैं आपसे बताना चाहूंगा इस मूवी की जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल ही यूनिक देखने को मिलेगा। मूवी में होता क्या, एक पार्क नाम का सीरियल किलर होता है जो बिना किसी वजह एक डॉक्टरनी के भाई को मार देता है और फिर वो डॉक्टरनी पार्क के लोगों के साथ मिलकर पार्क का ऑपरेशन करके उसे फीमेल में बदल देती है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ मूवी में आपको एक्शन थ्रिलर भी देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट है 5/10। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी
की और जिसका नाम है स्नोपियर, जो 2013 में आई थी। हो सकता है यहाँ पर मुझे नाम पढ़ने में मिस्टेक हो, लेकिन नीचे फ्रेम पर भी आपको नाम देखने को मिल जाएगा। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में, तो ये मूवी साइंस फिक्शन एक्शन पर बेस्ड है। मूवी में 2014 का समय देखने को मिलता है, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया बर्फ में समा जाती है और फिर जो गिने चुने इंसान होते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए एक ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। और ये एक ऐसी ट्रेन होती है जो कई सालों तक कंटिन्यू बस चलती ही जाएगी। अब होता क्या, ट्रेन के अंदर जितने भी सारे इंसान होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट क्लास के जो इंसान होते हैं उन्हें VIP दर्जे के साथ हर एक चीज मुहैया करवाई जाती है, और जो इंसान थर्ड क्लास के होते हैं उन्हें ट्रेन के अंदर बहुत सारा काम करना होता है और बदले में बहुत ही कम खाने पीने की चीज भी दी जाती है। और इसलिए थर्ड क्लास के इंसान खुद की नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ट्रेन के नियम के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, और फिर यहीं से शुरुआत होती है एक्शन की। मूवी का IMDb रेटिंग 7.1/10। वो बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है दी व्हेल, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो आपको इस मूवी में एक अलीसा नाम की लड़की देखने को मिलेगी, जो एक पेंटिंग आर्टिस्ट होती है, और इसलिए उसे एक संबूची नाम के जगह पर बुलाया जाता है पेंटिंग पर लगे हुए काले धुएं की परत को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन अलीसा को इस बात के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती है, जिस पेंटिंग को वो रिस्टोर करने के लिए जा रही है उसके रिस्टोर होते ही कुछ ऐसे क्रिएचर जिंदा हो जाएंगे जो इंसानों का खून पीना शुरू कर देंगे, और खुद अलीसा भी श्रापित हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। मूवी में हॉरर सस्पेंस की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट 5.1/10। वो बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है हेल बॉय द क्रूकेड मैन, जो भी हाल ही में रिलीज हुई है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, लेटेस्ट रिलीज की वजह से आपको इस मूवी की हिंदी डबिंग और सिनेमेटोग्राफी बेहद ही लो क्वालिटी की देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसे झेल सकती हो तभी आप इस मूवी को अपनी वॉचिंग लिस्ट में ऐड करिएगा। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो हमें इस मूवी में 1959 का समय देखने को मिलता है, जहाँ पर हेल बॉय अपनी टीम के साथ एक बहुत ही बड़ी मकड़ी को बॉक्स में बंद करके ट्रेन की मदद से किसी दूसरे शहर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में जाते हुए वो मकड़ी बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाती है, और फिर वो हेल बॉय और उसकी पूरी टीम पर हमला करके जंगलों में भाग जाती है। तो फिर क्या, यहीं से इस मूवी में एक्शन एडवेंचर हॉरर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में, तो मूवी का IMDb रेट 5/10।